लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव जो कि बिहार में चल रहा है और वोट डालना हम सभी का अधिकार, जिसके लिए हर कोई प्रेरित भी करता है और बहुत सारे ऐसे सोशल मूवमेंट्स भी चलते हैं कि आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये आपका हक है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके के मतदाताओं के बारे में बताएंगे जहां पर सबसे पहली बात विकास का इंतज़ार वो आज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वोट ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए पहली बात तो जोखिम बहुत उठाते हैं और दूसरी बात ये कि वोट डालना उनके लिए एक अधिकार के साथ साथ एक पिकनिक मनाने जैसा हो जाता है। दोनों चीजें परेशानियां तो हैं लेकिन साथ ही साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। बात हम कर रहे हैं बिहार के कैमूर के एक ऐसे जिले की जहां पर लोग 18 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, 1200 फीट की ऊंचाई से पैदल नीचे आकर वोट डालते हैं और वक्त उनको लगता है 3 घंटे का। चलिए इस इलाके के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो इलाका पड़ता है कैमूर, यानी कि जिला है कैमूर और इसी जिले का अधौरा प्रखंड पड़ता है जहाँ पर कुल मिलाकर 124 गांव ऐसे हैं जो कि थोड़ी दूरी पर हैं और पहाड़ी पर जाकर स्थित हैं और यहाँ का सिर्फ एकमात्र ऐसा इलाका यानी कि विनोबा नगर का जो इलाका है वो तलहटी पर पड़ता है और यहाँ की पंचायत पड़ती है बडवाना कला और पहाड़ के ऊपर वो गांव बसा हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि मतदान केंद्र काफ़ी दूर है, 3 घंटे का वक्त उनको लग जाता है लेकिन फिर भी पूरे जोश के साथ वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर कर आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रास्ता बहुत आसान है, सरल है, पहाड़ी के नीचे आए, मतदान किया और चले गए, नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 घंटे का वक्त उनको लगता है और जो रास्ता है यानी कि पहाड़ी रास्ता है वहाँ पर इतना घना जंगल है कि लोगों को बहुत समय लगता है और इसीलिए लोग जब घर से निकलते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तो अक्सर अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उन गांवों के कई लोगों के लिए बाकायदा टेंट्स वहां पर लगे होते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की होती है और जैसा शुरुआत में मैंने पिकनिक का जिक्र किया था, आते हैं लोग यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और फिर लिट्टी चोखे का मज़ा लेते हुए पिकनिक मनाते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करते करते वापस अपने गाँव की तरफ जाते हैं। लेकिन बडवान कला के लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि वो हर बार अपना वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, बावजूद इसके उस पूरे इलाके में उतना विकास नहीं हुआ जितने वो हकदार हैं। और हालात वहाँ पर देखिए ये हैं कि 70-80 साल के भी कई कुंवारे लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब इलाका ऐसा है जहाँ पर लोगों की शादियाँ नहीं होती, जहाँ पर लोग अपनी बेटियों को नहीं देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस गांव तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हुआ यूँ कि कुछ समय पहले एक रास्ता बनाया गया लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होती है, मौसम जब ख़राब होता है, बारिश का मौसम होता है, तो वो पूरा रास्ता बह जाता है। तो हालात एक तरीके से वहाँ पर कुछ अच्छे नहीं हैं। लोगों की शिकायत ये भी है कि कम से कम यहाँ पर विकास होना चाहिए ताकि वो आराम से अपना वोट डाल सके। सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे इलाके का, इस बार भी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट दिया, 3 घंटे तक पैदल चलकर वोट डालने आए ज़रूर, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कम से कम इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो सही रहेगा।